सभी को दोबारा वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम चार्ज को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए होता क्या है कि असली में कभी भी चार्ज जो है वो अकेला नहीं होता, ठीक है। सिंगल चार्ज या चार चार्ज, पाँच चार्ज, इतने कम चार्जेज नहीं होते, पॉइंट चार्जेज। तो एक सिंगल चार्ज होना बड़ा मुश्किल है, और चार्ज हमेशा क्या करता है, ग्रुप में रहता है, झुंड में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ग्रुप की शेप कैसी है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप कैसी है, उसको हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हमारे पास मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था, या तो पॉइंट मासिस होते थे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था लाइन में होता था मास, या सरफेस मास डेंसिटी होती थी, है ना, या फिर हमारे पास वॉल्यूम मास डेंसिटी होती थी। इस तरीके से चार्ज में भी हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर कौन सा, पहला जी एक होता है हमारे पास सबसे पहला, उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं कई बार हम, ठीक है जी। सबसे पहला ये है, अगर चार्ज इस तरीके से है कि चार्ज एक लाइन के अलोंग है, ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट है एक लाइन के अलोंग, है ना, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस ऐसे फैला हुआ दूर दूर तक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये इसमें क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है हमारे पास, डी क्यू बाय डी एल, ठीक है। अब डी एल क्या है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लेट करते हैं, उसकी लेंथ डी एल है, इसमें जो चार्ज है उसको लिख देते हैं डी क्यू। तो लैम्डा को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हमने टोटल चार्ज निकालना होता है, टू फाइंड टोटल चार्ज, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन, डी क्यू इजिकल टू लैम्डा डी एल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो क्यू इजिकल टू किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल। तो ये हम करें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, अगर हमारे को लीनियर चार्ज है, इसका मतलब पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है हमारे पास, ठीक है जी। अब लैम्डा का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ लैम्डा इज, लैम्डा का यूनिट होगा कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो कूलम पर मीटर का यूनिट होगा। ये एक चार्ज तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसको भाई बिल्कुल ढंग से पढ़ना क्योंकि ये बड़ा आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है जी। हाँ, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं बड़े ज़बरदस्त, उसमें ये यूज़ होने वाला है। देखिए कई की बार एक और चीज़ होती है, कई की बार ये लैम्डा कई की बार कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट होगा तब हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे, नहीं होगा कॉन्स्टेंट तो भाई इसको हम बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है जी। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी आती है हमारे पास, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई दूसरी, ठीक है। अब देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली चार्ज क्या हुआ है, एक सरफेस पे फैला हुआ कंटिन्यूसली बड़ा बहुत सारा चार्ज, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास चार्ज है, बहुत एक किसी सरफेस में फैला हुआ है, यहां से इधर को भी है, इधर को भी फैला हुआ है, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, बहुत एरिया में जो है ये चार्ज जो है फैला हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लें और इस एरिया को लिख लें डी ए, ठीक है। डी ए आपको पता है, डी ए मतलब वेरी स्मॉल एरिया, और इसमें जो चार्ज आएगा हमारे पास उसको लेट करते हैं कि डी क्यू चार्ज है इसमें। तो यहाँ पे हम एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए,
तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। अब अगर हमें यहाँ से चार्ज निकालना हो तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए। और वैसे यहाँ पे एरिया तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगती है। अब ये कैसे करते हैं डबल इंटीग्रेशन, वो कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा आपको, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम निकालना हो चार तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर सिग्मा का यूनिट देखें, यूनिट ऑफ सिग्मा इज, अब देखिए यहाँ से देखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर्स के, ये भी आ गया। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब अगले पे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है तीसरा, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अब मान लो चार्ज एक वॉल्यूम में फैला हुआ है, ऐसे बड़ा सारा चार्ज है एक वॉल्यूम में, तो हम लोग क्या करते हैं एक छोटा सा वॉल्यूम मैं इसके अंदर कंसीडर कर लेता हूँ और इसका वॉल्यूम लिख देता हूँ डी वी, और इसमें चार्ज मैं बोल देता हूँ कि डी क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे भी हम एक और डिफाइन कर सकते हैं रो, रो इज इक्वल टू डी वी सॉरी डी क्यू बाय डी वी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, देखिए रो जो है चार्ज का यूनिट क्यू सॉरी कूलम, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो ये हो गया चार्ज पर वॉल्यूम। ठीक है, ये सबसे जो रियलिस्टिक है वो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, लेकिन न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना आपने। अब यहाँ पर भी अगर हमें चार्ज निकालना हो तो टोटल चार्ज निकालना हो बॉडी में तो वो कैसे आएगा, यहाँ से निकला हमने डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तीन डायमेंशन होते हैं, ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसलिए मीटर क्यूब होता है, इसलिए तीन इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे। अब ये तीन कैसे होती हैं इसके बारे में अपने नहीं कोई ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती, कभी हो सकता है ना ही ज़रूरत पड़े, रेयरली बड़ा रेयरली आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी। ठीक है जी, अब ये तीनों आगे अगर इसके बारे में कुछ भी पता ना चले आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे जी। न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास एक सफेयर है, वी हैव अ सफेयर ऑफ रेडियस आर, सफेयर का रेडियस आर है, और एंड जो डेंसिटी है उसकी वो कैसे लिखी जा रही है, रो नॉट वन माइनस आर। इसका मतलब ये है क्या, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आर के ऊपर डिपेंड करी, ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है जी, ओके जी, अब वो कह रहा है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द सफेयर। सफेयर के ऊपर टोटल चार्ज हमने बताना है कितना आएगा, सॉल्यूशन देखिए रो को क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी क्यू बाय डी वी। ठीक है जी, और ये किसके बराबर है, रो नॉट वन माइनस आर। ठीक है, रो नॉट कांस्टेंट है। अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू रो नॉट वन माइनस आर डी वी, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
लेकिन अब वॉल्यूम अगर लिखूंगा तो मेरे को थ्री डायमेंशन में इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो वॉल्यूम को मैं चेंज कर दूंगा। ये देखिए वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब होता जी वॉल्यूम होता है। तो डी वी किसके बराबर होगा, या इसकी इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर, कितना बचा 4/3 पाई, और इसकी कितना मिलेगी 3 r² ठीक लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ जी। तो डी वी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, 3 से 3 काट दिए, ये बना 4 pi r² डी आर, डी वी की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास डी क्यू इजिकल टू रो नॉट 1 - r, और डी वी की जगह क्या लिखूँ 4 pi r² डी आर, ठीक है जी। अब मैं आराम से इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्योंकि सफेयर है, तो सफेयर में हम कहाँ से चलना है, उसके सेंटर से लेकर बाहर तक चलना है हमने, तो इसका मतलब क्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से चलेगी, 0 से बाहर तक आएंगे सरफेस तक, सेंटर से चलेंगे। और ये आ गया रो नॉट 1 - r 4 pi r² डी आर, ठीक है जी। ध्यान से देखना जी न्यूमेरिकल को, बिल्कुल ध्यान से। तो क्यू इजिकल टू कितना बन गया, क्यू बन गया हमारे पास रो 4 pi रो नॉट, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास डी आर और माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, ये बच गया हमारे पास r² डी आर और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r³ डी आर, ठीक है जी। सब कुछ हो गया, बाकी सब हो गया जी, हो गया। तो चार्ज इक्वल टू क्या बन गया, 4 pi ρ0 r² की जो इंटीग्रेशन है वो आ गई r³/3, तो ये टोटल बन जाएगा r³/3, ठीक है जी। और ये इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, माइनस r³/4, तो q इजिकल टू हमारे पास बन गया 4 pi ρ0 r³/3 माइनस r⁴/4, ये हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, कोई गलती होगी तो ज़रूर मेरे को बताइए, और इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है जी। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।